हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम हियर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है ये कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बारे में भी है कि ब्राज़ील पर कैसे किस तरह का कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है कि सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की जद में है और ब्राज़ील में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। ब्राज़ील में ये सब कुछ ठीक था, कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन 26 फ़रवरी को यहाँ कार्निवल ख़त्म हुआ और कार्निवल देखने के लिए सारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। और उसी दौरान उसके मतलब कार्निवल के कुछ दिनों बाद न्यूज़ में आना शुरू हो गया कि यहाँ पर जो है कुछ पेशेंट्स पाए गए हैं कोरोना वायरस के। इस वक्त ब्राज़ील में 121 कंफर्म केसेस हैं। 13 मार्च 2020 को 98 केसेस थे पूरे मुल्क में, लेकिन 14 मार्च 2020 को 121 कंफर्म केसेस हैं ये कोरोना वायरस के पाए गए। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है। और आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले 15 दिनों में यहाँ ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं इनकी तादाद बढ़ जाएगी। ये पूरे मुल्क में जो है 121 पेशेंट्स हैं। रियो डी जनेरो में 22, साओ पाउलो में 65, ब्राज़ीलिया जो कैपिटल सिटी है यहाँ 5, अमेज़न में 1 और बाकी जो इनके स्टेट्स हैं वहाँ पर 28 केसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो अगर आप में से किसी का भी प्लान है ब्राज़ील आने का तो फ़िलहाल ये पोस्टपोन कर दें, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू विज़िट ब्राज़ील नाउअडेज़। और अगर आप ब्राज़ील में हैं तो अपने जो है आसपास भी ख्याल करें और स्टॉक रख लें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स एटलीस्ट, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ ब्राज़ीलिया में और यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपने घरों में कुछ सामान जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया है। तो ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो आप अपने पास अपने घरों में स्टोर कर लें, सेव कर लें, ताकि जो है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब 1-2 महीने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और वेर एवर यू आर स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस और अपने हाइजीन का और अपने आसपास की साफ सफाई का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।